अमिता साहब ने कहा कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने पिछले 3 साल में जो पहाड़ी कबीले की मूवमेंट 30 साल से चली आ रही थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाया और पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम और जितनी भी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले की फोरम थी उन्होंने सेंटर में मोदी जी, अमित शाह जी और सेंटर की सरकार को यहां तक पहुंचाया कि उन्होंने पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया। और आपने देखा होगा कि अभी जो पीछे नीट का एग्जाम हुआ है उसमें पहाड़ी कबीले के 106 बच्चे एमबीबीएस में आए। इसके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो पहाड़ी कबीले के लोगों को आने वाले वक्त में होने वाले हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वो है असेंबली इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। 18 को पहला फेस है, 25 को है, उसके बाद फर्स्ट को है। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मेन मकसद है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को याद दिलाया जाए कि 30-35 साल से जो हमारी एक मूवमेंट चली आ रही थी उसको माननीय मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करेंगे। उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने रजौरी में लाखों के जलसे में कहा था कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एसटी हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल हैं, गद्दी, सिपी, शीना, उनके हक के साथ भी नहीं छेड़ा जाएगा, उनकी थाली से किसी को नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, उन पार्टियों ने जिन्होंने इसी पे ही सियासत की, एक तरफ पहाड़ी कबीले को उनका हक नहीं दिया, दूसरी तरफ हमारे दूसरे साथियों को दे के वो 30 साल यही पॉलिटिक्स करते रहे। हम भारतीय जनता पार्टी का इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खाई को कम किया है। आज हम इस मंच से बैठ के पहाड़ी कबीले के लोगों से ये अपील करेंगे कि वो जो हमारा नौजवान आज 18 साल का होकर पहली बार वोट डालने जा रहा है और वो बुजुर्ग जो है 90 साल का है या 80 साल का या 100 साल का है, हम एकतरफा होकर पहाड़ी कबीला भाजपा की सपोर्ट करे, बीजेपी के कमल के फूल का बटन दबाए, क्योंकि वोट से ही सरकारें बनती हैं और फिर सरकारें कौमों के लिए फैसला करती हैं। आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर रजौरी पुंछ के लिए एक मैं कहूंगा कि मील का पत्थर साबित होने वाला है कि हम किस तरफ वोट करते हैं, किसकी सरकार बनेगी। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसमें रजौरी पुंछ का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, पहाड़ी कबीले का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। इसके बाद हमें स्टेटहुड चाहिए, इसके बाद हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो तभी हल होंगे जब यहां डबल इंजन की सरकार चलेगी। सेंटर में भाजपा की सरकार ऑलरेडी से है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने और इसके लिए हम तमाम लोगों को और खासकर रजौरी पुंछ में लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों को बिलखसूस आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जो हमने वादा किया है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, जिस सरकार ने हमारा साथ दिया हम उसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। इसी नारे के साथ एक बार फिर अपील करते हुए कि पहाड़ी कबीले के लोग 18 तारीख को, 25 तारीख को और पहली तारीख को खुलकर बाहर निकलेंगे और भाजपा के हक में पोलिंग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा जम्मू कश्मीर सरकार बनाए और आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है वो और खूबसूरत हो। पहले पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आप सब मीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं खुद हूं एडवोकेट एहसान मिर्जा, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एग्जीक्यूटिव मेंबर। मेरे साथ हैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर साहब, ये भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और साथ हैं मनीर मिर्जा साहब, ये भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और साथ नजरुल क्यू मिर्जा साहब, ये भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आज जो सब मीडियाकर्मी हैं आपको यहां जो बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ी कबीले की एक 40 साल की एक मांग थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का जो है वो दर्जा दिया जाए, और बड़ी सरकारें आती रही, वादा करती रही, लेकिन किसी ने भी पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर की भाजपा की जो सरकार है, इनकी कोशिशों और कावशों से जो है पहाड़ी कबीले को जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है। आज इलेक्शन आ चुके हैं और पहाड़ी कबीला भी जो है वो मैं ये कहूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और
जिस तरफ ये कबीला मूव करेगा वो पार्टी जो है वो इक्तदार में आएगी और एक बहुत बड़ा डिसाइसिव रोल है जो है इस कबीले का। और काफी दिनों से जो है हम जगह जगह पे लोगों से जो है मुलाकातें हुई, उनसे डेलिब्रेशंस हुई और फाइनली उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था अल जजाउल एहसान इल एहसान, मतलब के एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हम पे एहसान किया है, पहाड़ी कबीले के लाखों लोगों पे एहसान किया है, उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया है हमें, तो इसीलिए आज पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से हम लाखों पहाड़ी कबीले के लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अपना कीमती वोट इस असेंबली सेशन में बीजेपी के कैंडिडेट्स को पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां पे, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट गुजर है चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट पहाड़ी है, उसमें हमें कोई हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमने मोदी जी को एम्पावर करना है, हमने माननीय अमित शाह जी को एम्पावर करना है, भाजपा को एम्पावर करना है और पूरे पहाड़ी कबीले जो कि जाना जाता है कि उनके ऊपर जो इतनी बड़ी जो उनको सौगात दी गई है और वो सौगात इलेक्शन से पहले दी गई है, इसलिए हम आपके चैनल के वसादत से जो सारे मीडिया कर्मी हैं हम लाखों पहाड़ी कबीले के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि उनकी जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पहाड़ी कबीला मेजोरिटी में जो अपना वोट है वो भाजपा को कास्ट करे, अपना जो वोट है वो सही तरीके से इस्तेमाल करे ताकि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है उनको ये लगे कि ये जो कौम पहाड़ी कौम है ये एहसान फरामोश नहीं है। सर लेकिन लोकसभा के चुनावों में ये क्यों देखने को मिला कि पहाड़ी अलग अलग बिखर क्यों गए? देखिए आपको पता है कि हमारा ऑलरेडी पहाड़ी कबीले का ये था कि भाजपा जब अपना कैंडिडेट उतारेगी कहीं तो पहाड़ी कबीला उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उस वक्त भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो आज वो वक्त आ गया है, हर तरफ भाजपा का कैंडिडेट है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा का कैंडिडेट है। इस बार हमें उम्मीद है कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट, मैं ये कहूंगा कि हमारा सारा वोट जो है, मैक्सिमम वोट जो है वो भाजपा को मिलेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।